गाइस हम पहुंच गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे पास आते हैं दक्ष और एक ड्राइवर भी हमारे साथ घूमने कतई पुल में मौज करेंगे। हैवी राइडर है हमारे साथ एक, हम तीन जने हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन आप हेलमेट जरूर पहनिएगा। हम नहीं पहनते हेलमेट आज। अभी हमारी यात्रा शुरू होती है, हमारे साथ हैवी ड्राइवर है, गाड़ी घड़गड़ घड़गड़ बहुत कर रही है आज, इसको भी दिखाना है। और ये स्कूल गाइस हम ये पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको कुमाऊं में हर जगह रामलीला दिख जाएगी, हर जगह होते हुए कहीं भी चले जाओ। स्टार्ट होती है कोटाबाग की मार्केट, ये यहाँ से बहुत लंबी मार्केट है। ये है मेन मार्केट घराज, ये पानी से ही चलती है। ये अभी बंद हो गई होगी, पुरानी बहुत पुरानी है ये घराज। उसका सिस्टम खत्म हो चुका है, सब इलेक्ट्रिक मार चुका है। कोटाबाग इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर गाय माता भी है। ये है कोटाबाग इंटर कॉलेज। हनुमान जी जय बजरंगबली। Don't you think we're done? स्थान हो गया। ये है और ये है पॉलिटेक्निक कोटाबाग, फेमस कोटाबाग का फेमस पॉलिटेक्निक। ये नीचे है बिल्डिंग, वो वहाँ है कोटाबाग की, वो दिख रही होगी आपको। और ये हम ऊपर ऊपर और ये हाइडल है। Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless, my whole world has shifted again. यहाँ से आगे बढ़ो, यात्रा स्टार्ट है हमारी। रोड थोड़ा खराब है, कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम आपको उत्तराखंड की अलग अलग जगह दिखा सके और आप घर बैठे मजा ले सके पहाड़ की सुंदर वादियों को। हल्के हल्के ठंडी लगते हुए पुराना स्थान है और यहाँ बहुत ही उपजाऊ खेती है, पानी की भी भरपूर सुविधाएं हैं। ये देखो हर जगह पानी पानी मिल जाएगा।
भगवान का वास है, क्योंकि ये हम हैं देवभूमि में। पहुँचेंगे थोड़ा यहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे, आपको दिख जाएगा वीडियो में फोटोग्राफी करते हुए हमें। और नदी में पानी है ठीक ठाक मात्रा में, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। ये है पुल, ये देखो दोस्तों, देखिए हम कहाँ हैं पुल पे, और ये मज़ा लेते हुए। ये है पूरा, ये है पुल, आपको दिख रहा होगा ये तो भाई झरना यहाँ, ये गाइस बहुत ऊपरी झरना है, बहुत ही मस्त झरना आ रहा है। गाइस हम पहुँच गए हैं पुल पर कतई मौज करते हुए। पहाड़न रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आ सकते हैं आप, बर्थडे पार्टी कोई भी पार्टी हो, किट्टी पार्टी, कट्टी पार्टी। स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं अपना रोजगार। मछली का तालाब होगा, मछली पालन की हो। और कहाँ चलो आप, अब हम चलते हुए एडवेंचरस रोड पर। ये रोड नहीं है, छोटा सा है, देख लीजिए पतला सा। और ये हमने 500 मीटर बचा लिए अपने, और हम पहुँच चुके हैं रानीकोटा। ज़्यादा मात्रा में आया होगा पानी, देखो पूरा रास्ता रास्ता बना दिया एक, वो देखो वहाँ से पूरा रास्ता। गाइस यहाँ का व्यूज देखिए आप, बहुत ही ओपी लग रहा है भाई साहब, कतई मौज कर रहे हैं हम आज। और ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू लग रहा है भाई। और यहाँ पर अभी फोटो खिंचाने वाले हैं ऊपरी वाली, ये देखिए गाइस। देखिए ये है दापका नदी, यहाँ तो बहुत भारी मात्रा में आती है, बहुत देखो सब बेसिन क्षेत्र यहाँ तक है पूरा, ये पूरा एरिया दापका नदी है। ये देखो ये पूरा वो नीचे को गई है, अभी आपको ये आगे बेलपड़ाव मिल जाएगी छोई के आसपास। माहौल Thank you.
यहाँ से, ये है पूरी नदी। चले अभी ये दिख रहा है हमारा रास्ता, यहाँ पे पत्थर फिसलन वाले होते हैं, जब भी आप जाइए तो ध्यान से जाइए क्योंकि आप फिसल सकते हैं। हम बच गए। पत्थर चुके हैं, आज बहुत सालों बाद मौका मिला है नदी में उतरने का, पहले स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। अब आगे वाली नदी में जाते हुए ये बहुत दाब का ही बेसिन है बुराशी का, बहुत जब पानी आता होगा बाहर यहाँ तक पहुँच जाती है, अभी आपको कम दिख रही होगी। और हम अपने रास्ते की तरफ पड़ते हुए देखिए यहाँ पानी का फ्लो और ज़्यादा है, आवाज़ से ही लग रहा है। यहाँ पानी और ज़्यादा मात्रा में है। मेरे को जाने के बारे में तो ये उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है दाबका की, और दो नदियाँ अलग अलग हो जाती हैं, यहाँ से पानी बहुत गहरा है। यहाँ पर संघर्ष करते पागल है क्या, ऐसे जाने का रास्ता थोड़ी ना है, मेहनत करते हुए आराम से आऊँगा। अरे रे 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 फिसल गए थे अभी, बहुत मेहनत हो रही ये झरना देखने के लिए, कहाँ कहाँ जाना पड़ा झाड़ी के लिए। गाइस यहाँ पर देखिए सीन कतई तगड़ा हो रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से जा भी रहा है। और ये पानी ऊपर ये हो रहा है इस प्रकार, खराब और हमें आगे बढ़ने में बहुत यह पानी हमारे लिए पीने में भी यही पानी आता है। नालों में जो पानी आता है उनमें भी यही पानी आता है, बट पानी बहुत ज़्यादा है। आगे जाना खतरे की झंडी भी लगी हमें। देखिए अक्षय उल्टे का संस्थान है, 200 किलोवाट की बिजली बनती थी यहाँ, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। अगर यहीं से बिजली बन जाए तो लोकल के लिए सस्ती हो सकती है, नहीं तो कितनी बिजली यही बन सकती है। ये है यहाँ का दृश्य, ये पानी इसी से बनती है बिजली, इसी पानी से, और ये पानी बहुत जगह यूज हो जाता है। गाइस यहाँ पर अभी बहुत ही तेज पानी आ रहा है और यहाँ का व्यू बहुत मस्त लग रहा है, और यहाँ पर हमारे ये खिलाड़ी बाइक निकालेंगे हीरो कतई। गाइस यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग लग रही है, और ये निकाल रहे हैं हमारे बाइक। अभी यहाँ पर बहुत तेज भाव है, अभी यहाँ से निकालने बाकी है। देखिए गाइस कैसे निकल रही है बाइक कते ओपी ढंग से, गाइस देख लिए बाइक कितनी डूब रही है।
गाइस बहुत ओपी हो जा रहा, अभी निकल रहे हैं गाइस। गाइस बहुत डर रहे हैं भाई निकालने में बहुत। गाइस बाइक निकल सकती है, स्पीड दे रहे हैं बाइक को, और ये थोड़ा सा और है बस, थोड़ा सा। गाइस निकली गई समझो, दो और है, चिंता नहीं। ये देखिए गाइस इससे तो निकल गई है। हाँ I wanna know how it feels to live and let go without being put in my place. I'ma just die fighting. और आगे को, आगे इधर को मत घुमाओ। गाइस ये देखिए पानी बहा था। ट्राई मार रहे हैं ये, इस बार जिया जी पे जोश आता हुआ, और ये आगे बढ़ती हुई गाड़ी। ये जिया जी ला गए हल्की हल्की, इतना और बचा है, पानी बहुत गहरा है, निकलने वाली है बस। शॉर्ट रास्ते के चक्कर में हमने नदी पार की, और ये देखो झरना, लेकिन आगे रास्ता बहुत खराब है, फिर भी हम निकल जाएंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे पानी के छोटी नदी। यहाँ पर हैवी ड्राइवर की काफ़ी ज़रूरत होती है। और ये झरना, एक और छोटा झरना। हम धीरे धीरे माटू माट घर को जाते हुए, घर में बाटा लग रही है, बहुत आपका नदी बहुत ही दूर तक फैलते हुए। शॉर्ट मार के थोड़ी मेहनत करके पहुंच गए हम। ये आदर्श इंटर कॉलेज और ये कोटाबाग मार के, और यहाँ से बस मिल जाएगी आपको आसानी के लिए।
और ये है गर्ल्स कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग नैनीताल, और 10th to 12th। और ये आपका ये है हॉस्पिटल, और बगल में पोस्ट ऑफिस, ये है चारा बैंक, सारे सरकारी सारे कार्यालय एक ही साथ अगल बगल में, पुलिस चौकी भी यहीं पर है, और यहाँ पर होती है रामलीला। दोस्तों हम आ चुके हैं घर घूम के, सारा घूम लिया हमने नदी पार करके, अब हम वापस आ चुके हैं अपने घर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा।